हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 सितंबर 2023 के करंट अफेयर। और इसके बाद केवल एक वीडियो रह जाएगा जिससे हमारा सितंबर महीने का कंप्लीट करंट अफेयर हो जाएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस संस्थान की एक संयुक्त रिपोर्ट गंभीर समाचार देती है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने की दिशा में प्रगति 2015 से रुकी हुई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए WHO एंड वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है WHO एंड यूनिसेफ, ऑप्शन सी है WHO एंड नीति आयोग, ऑप्शन डी है नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। किस संस्थान की एक संयुक्त रिपोर्ट गंभीर समाचार देती है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज USA यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने की दिशा में प्रगति 2015 से रुकी हुई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटिलिपस कलामी किसकी नई प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है छिपकली, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है समुद्री टर्डिग्रेड। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समुद्री टर्डिग्रेड। इसे जल भालू के नाम से भी जानते हैं, जल भालू के नाम से भी इसे जाना जाता है। बेटिलिपस कलामी किसकी नई प्रजाति है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समुद्री टर्डिग्रेड। और इसे और किस नाम जानते हैं? जल भालू के नाम से। और किन के नाम पर रखा गया है नाम? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। इसके अलावा कहाँ के रिसर्चर ने इसे डिस्कवर किया है, आइडेंटिफाई किया है? तो कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के किस भारतीय वैज्ञानिक को फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश बनाजा, ऑप्शन बी है डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन डी है डॉक्टर श्रद्धा त्रिपाठी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के किस भारतीय वैज्ञानिक को फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर स्वाति नायक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ से क्या याद रखना है? सबसे पहले डॉक्टर स्वाति नायक से पहले दो लोगों को पुरस्कार मिल चुका है। एक है अदिति मुखर्जी, अदिति मुखर्जी इन्हें कौन से ईयर में मिला था? इन्हें मिला था 2012 में। और एक है महालिंगम गोविंदराज इन्हें कब मिला था? इन्हें मिला था 2022 में। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर स्वाति नायक को। और तीसरी भारतीय बनी है, इनसे पहले अदिति मुखर्जी को मिला था 2012 में, और 2022 में मिला था महालिंगम गोविंदराज को 2022 में। और ये जो पुरस्कार है, 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? 40 वर्ष से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने मिट्टी और पानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल हेवी मेटल डिटेक्टर विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT मद्रास ने, ऑप्शन बी है IIT गांधीनगर, ऑप्शन सी है IIT पटना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। किस संस्थान ने मिट्टी और पानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल हेवी मेटल डिटेक्टर विकसित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग ड्रिल का संचालन किया? आपके पास ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी है भारतीय सेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग ड्रिल का संचालन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? नील कुरिंजी मुन्नार हिल स्टेशन के प्रवेश बिंदु आदिमाली में खोला गया है। आपसे पूछ रहा है कि नीलकुरुंजी क्या है। आपके पास ऑप्शन है जल संग्रहालय, ऑप्शन बी है विरासत संग्रहालय, ऑप्शन सी है जैव विविधता ज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैव विविधता ज्ञान केंद्र। नीलकुरुंजी क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक जैव विविधता ज्ञान केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर, बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर। और ये कहाँ पे खोला गया है? केरल में, केरल में। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, इसे सेटअप किसके द्वारा किया गया है? तो स्टेट हरिथा केरला मिशन के द्वारा, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पंचायत के द्वारा। ये जो सेंटर आपका बायोडाइवर्सिटी नॉलेज सेंटर कहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, नीलकुरुंजी, कहाँ पे खोला गया है? केरल में। केरल में कहाँ? आदिमाली, केरल में खोला गया है, आदिमाली में। और इसे सेटअप किसके द्वारा किया गया है? स्टेट हरिथा केरला मिशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है शिलोंग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? इमर्जिंग चैलेंजेज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है थीम भी। थीम क्या है? थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इमर्जिंग चैलेंजेज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे किस दिन मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है 23 सितंबर को, ऑप्शन बी है 25 सितंबर, ऑप्शन सी है 20 सितंबर, ऑप्शन डी है 27 सितंबर को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर को। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे किस दिन मनाया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 सितंबर को मनाते हैं। और 2023 की थीम क्या थी? ए वर्ल्ड वेयर डीप पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। और ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको थीम भी याद रखना है। वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे 2023 की थीम क्या है? ए वर्ल्ड वेयर डीफ पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। और इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ कब तक मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया 2023 में? तो 18 से 24 सितंबर 2023 तक। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 जो हाल ही में पेश किया गया, किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन ए अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान से, ऑप्शन बी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, ऑप्शन सी है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा, ये तो आपका 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, और अगर अधिनियम पूछ ले, एक्ट पूछ ले, तो एक्ट कौन से नंबर का था? तो 106वें नंबर का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडो पैसिफिक में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री ने किन दो अन्य देशों के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? आपके पास ऑप्शन है USA एंड UAE, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया,
ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया और यूएई। तो दो अन्य देश कौन थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलिया नेवी और इंडोनेशिया नेवी ने। इंडो पैसिफिक में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री ने किन दो अन्य देशों के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक तो भारत था और दो अन्य देश कौन थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवरत्ती और पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शॉर्ट में बोलते हैं कि तीसरे संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे, जो भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज होता है किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और सिंगापुर के बीच भारतीय नौसेना भाग लेती है, दोनों देशों की नौसेना भाग लेती है, और इस पर तीसरा संस्करण हुआ कहाँ पे, सिंगापुर में। और जो सिम्बेक्स 2023 हुआ है यह दो चरणों में आयोजित किया गया, एक है आपका हार्बर चरण हार्बर फेज और दूसरा है सी फेज समुद्री चरण। और सिम्बेक्स का मतलब क्या होता है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने किस राज्य के ऐतिहासिक किले अगुवाड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गोवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। केंद्रीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने किस राज्य के ऐतिहासिक किले अगुवाड़ा में भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव या भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्रद्धे हिंदू संत आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ, ओमकारेश्वर में। श्रद्धे हिंदू संत आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, ओमकारेश्वर में। और किसने बनाया है, एलएनटी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा एक पॉइंट और याद रखो, इसे और क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है निपा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निपा। ट्रू नेट परीक्षण किससे संबंधित है, तो निपा वायरस से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ICMR का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। किस संस्था ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन का 6th संस्करण जारी किया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी SEBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन का 6th संस्करण किसने जारी किया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, DARPG। और DARPG का मतलब क्या हुआ, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। और इस रिपोर्ट से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, सबसे पहले 6th एडिशन था,
जम्मू और कश्मीर इसने प्रोवाइड किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो अभी छठा संस्करण आया है किसका, NDSDA का, तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया है ई सर्विसेज, तो आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर ने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर, केरला एंड ओडिशा प्रोवाइड 100% ऑफ देयर सर्विसेज थ्रू देयर आइडेंटिफाइड सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल। जम्मू और कश्मीर का कौन था, ई उन्नत था, ये भी याद रखना है। केरल का कौन सा पोर्टल था, ई सेवनम, और उड़ीसा का कौन सा था, उड़ीसा वन। तो आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ई उन्नत जो कि क्या है, यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो जम्मू और कश्मीर का है, ई सेवानम केरल का है, और उड़ीसा वन उड़ीसा का है। तो सिंपल है, तो जम्मू कश्मीर, केरल और उड़ीसा इन्होंने प्रोवाइड किया है 100% ऑफ देयर सर्विस थ्रू देयर आइडेंटिफाइड सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल। इसके अलावा हरियाणा प्रोवाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ई सर्विसेज एज वेल एज 21 आउट ऑफ 26 डिस्ट्रिक्ट ई सर्विसेज आइडेंटिफाई अंडर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंतर्गत हरियाणा ने टॉप किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस डिजिटल भुगतान फॉर्म ने मेड इन इंडिया ऐप स्टोर के रूप में इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फ़ोनपे, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है रेजर पे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ़ोनपे। किस डिजिटल भुगतान फॉर्म ने मेड इन इंडिया ऐप स्टोर के रूप में इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ़ोनपे ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी को माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा सानंद गुजरात में एक उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र के निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है L&T, ऑप्शन बी है टाटा प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है सापोर्जी पालोनजी ग्रुप, ऑप्शन डी है JP ग्रुप। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट को। किस कंपनी को माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा सानंद गुजरात में एक उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र के निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा, टाटा प्रोजेक्ट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है USA। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA, अमेरिका के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना की एक टुकड़ी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आतंकवाद से निपटने पर विशेषज्ञ कार्य समूह में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर रवाना हुई, इस महत्वपूर्ण घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, शॉर्ट में इसे लिखते हैं FTX। तो FTX का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, तो इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया, रसिया के द्वारा, और को चेयर किया गया है एलोंग विथ म्यांमार। तो ये दो पॉइंट एग्जाम में हो सकते हैं पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और कौन सा संगठन भारत के G20 प्रेसिडेंसी से विकास केंद्रित उद्देश्यों को संचालित करने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक क्षमता निर्माण प्रयास शुरू करने के लिए एकजुट हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ADB, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है WEF, ऑप्शन डी है नाटो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। भारत और कौन सा संगठन भारत के G20 प्रेसिडेंसी से विकास केंद्रित उद्देश्यों को संचालित करने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक क्षमता निर्माण प्रयास शुरू करने के लिए एकजुट हुए हैं, तो भारत और यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं,
और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि एक तो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, आप वहाँ पे करेंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।